तो फ्रेंड्स, ये लोग पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप रेडी हैं या फिर नहीं हैं 22 अगस्त के एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि पोस्टपोन किया जा सकता है इस चीज़ को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं, इंट्रोडक्शन बाद में होते रहेगा। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एनपीटीईएल का एग्ज़ाम 19 अगस्त को और 8 अगस्त को होने वाला था, जिनमें से 8 अगस्त को तो उसी दिन होगा, लेकिन जो 19 अगस्त का एग्ज़ाम था उसे चेंज करके 22 अगस्त कर दिया गया है। तो बात यह है कि 22 अगस्त से कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन संडे भी है, लेकिन उस दिन पूरे इंडिया का महापर्व है रक्षाबंधन, भाई और बहन का पर्व है। आपको पता होगा इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है, इस रक्षाबंधन पर्व को। तो उस दिन एग्ज़ाम पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सबके सामने, एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि हम एग्ज़ाम देंगे या घर पे रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को लेकर हमारे हिसाब से कुछ ऑप्शंस हैं जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार इसे पोस्टपोन करने का कोई तरीका है या फिर प्रीपोन करने का कोई तरीका है क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे 19 अगस्त को प्रमोट किया गया 22 अगस्त को, उसी तरह से 22 को भी आगे या फिर पीछे किया जा सकता है। कैसे होगा उस तरीके के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है और क्या क्या मेल आया है और क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको मेल के थ्रू बताया गया है कि 19 अगस्त का एग्जाम था जो चेंज होकर 22 अगस्त को हो गया है संडे को, और 22 अगस्त को ही रक्षाबंधन पड़ रहा है। 8 अगस्त के एग्जाम में कोई चेंज नहीं होगा और उस दिन के लिए अब कोई फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बट वी नीड योर रिस्पॉन्स च्वाइस अगेन फॉर द न्यू एग्जाम डेट ऑफ अगस्त 2022। तो फ्रेंड्स, ये लोग पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप रेडी हैं या फिर नहीं हैं 22 अगस्त के एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि पोस्टपोन किया जा सकता है इस चीज़ को। आप यहाँ पर सेम चीज़ देख सकते हैं, डेट 22 अगस्त कर दिया गया है और जो फॉर्म है इसका एक्सेप्ट करने के लिए फीडबैक फॉर्म, वो 23 जुलाई तक खुला रहेगा शाम के 5 बजे तक। तो आज हो गया 20 जुलाई, अभी 3 दिन और है आपके पास। तो आप इस वीडियो को आप सबसे पहले तो इतना शेयर करें, हर एक ग्रुप में, हर एक टेलीग्राम पर शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोग पास पहुंचे ये वीडियो और लोग कुछ एक्शन ले सकें। एक्शन कैसे लेना है हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को आपको सिंपल सा ओपन कर लेना है जो यहाँ पर ओपन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दो ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आप एग्जाम देना चाहते हैं। देखिए, फर्स्ट इन पर्सन एग्जाम एट द एग्जाम सेंटर और सेकंड कैंसिल एंड रिफंड। तो जो 19 अगस्त का डेट था उस दिन बहुत सारे लोगों ने कैंसिल एंड रिफंड किया और रीजन डाल दिया कि हम उस डेट को अवेलेबल नहीं रहेंगे उस दिन एनपीटीएल की तरफ से। आप देखिए यहाँ पर ऊपर में बताया गया है कि बेस्ड ऑन योर फीडबैक मेनी ऑफ यू हैव बीन चूजन टू रिफंड। रिफंड करने के लिए बहुत सारे लोग चूज किए थे क्योंकि उन लोगों का एग्जाम क्लैश कर रहा था बहुत सारा 19 तारीख को। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ से आप लोग भी चाहें या फिर हम लोग भी चाहें मिलकर, तो इसे हम पोस्टपोन करा सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, सिंपल से आपको कैंसिल एंड रिफंड पर करना होगा या फिर आप इन पर्सन एग्जाम करके भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी दो तरीके और हैं जिनके थ्रू हम इसे पोस्टपोन करा सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है कि हमें डायरेक्ट एनपीटीएल का जो हेल्पलाइन नंबर का मेल है, सपोर्ट का मेल है, सपोर्ट टीम जो होती है उनका मेल होता है, उस मेल आईडी पर बहुत सी ज्यादा संख्या में मेल करना होगा, फीडबैक देना होगा कि हम अवेल नहीं है 22 अगस्त को एग्जाम देने के लिए। आप उसे या तो अगले दिन कर दीजिए या फिर उससे पहले कर दीजिए या फिर अगले संडे को कर दीजिए, ऐसा कुछ हम लोग प्लान कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि ट्विटर पर एनपीटीएल का जो अकाउंट है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग चाहें तो ट्वीट कर सकते हैं, ज़्यादा ट्वीट की जरूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि एग्जाम का मतलब होता है कि 100 स्टूडेंट्स भी अगर रेडी हो गए उस दिन को एग्जाम नहीं देने के लिए तो वो लोग एक्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कोई एक्शन लेने का भी नहीं बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर एक ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप लोग आइए पहले टेलीग्राम पर, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पर हम लोग बातें करेंगे। और वीडियो को पहले शेयर कीजिए बहुत सारे लोगों के पास, क्योंकि जब तक से 200-300 लोग नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा कुछ भी करने में। अगर आप लोग रेडी हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हम 22 अगस्त को एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम तो दे ही देंगे 22 अगस्त को। तो इस वीडियो के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था, आपको बताना और आपसे रिस्पॉन्स लेना कि आप क्या चाहते हैं। तो कमेंट करके बताएं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पर ग्रुप में बातें करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।